वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। इस बीच उत्तराखंड का आंकड़ा रखने का समय आ गया है निशा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल है, कुल सीटें 5, एक और जगह क्लीन स्वीप दिखाई दे रही है और वो है उत्तराखंड बीजेपी की, 5 सीटें कांग्रेस 0 अदर 0। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप है बीजेपी की, यही हमने हिमाचल में देखा। तो बात की जाए उत्तराखंड में क्लीन स्वीप और यही हिमाचल में भी देखा, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। जी हाँ, तो बड़ी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है उत्तराखंड के इस एग्जिट पोल के बाद वो ये कि बीजेपी को एक बार फिर 5 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस का एक बार फिर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 2019 की तुलना में एक बार फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है उत्तराखंड में जो 2019 में थी। बीजेपी के क्लीन स्वीप का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये तस्वीर इस वक्त उत्तराखंड की, इससे पहले आपको हमने हिमाचल की तस्वीर दिखाई, हिमाचल में भी वही तस्वीर दिख रही है जो 2019 में थी, तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। सुनील साजन जी भी हमारे साथ हैं। सुनील साजन जी, उत्तराखंड में तस्वीर नहीं बदल रही, हिमाचल में तस्वीर नहीं बदल रही और क्लीन स्वीप के एक दो नहीं तमाम प्रदेश हैं जिसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश के मतदाताओं को, चुनाव आयोग को, चुनाव में लगे सभी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और सभी मीडिया के लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोकतंत्र का पर्व था शांति पूर्वक बीता है। जहां तक सवाल है कि कहां कौन क्या कर रहा है, मुझे लगता है जो देश का तापमान था, देश का माहौल था, जितने एग्जिट पोल मुझे लगता है कई बार फेल हुए हैं, कई बार सच भी साबित हुए हैं, लेकिन 2024 का एग्जिट पोल फेल होगा और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने जा रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, हालांकि अभी आपने उत्तर प्रदेश का नहीं दिखाया है, लेकिन अभय जी जो बात कह रहे थे वही बात मैं दोहरा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 50+ इंडिया गठबंधन सीट पाएगी और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 जून को भी हम लोग आपस में बात करेंगे। तो आप सोचिए जो क्लीन स्वीप दिख रही है ना जिन राज्यों में, ये आपको 4 जून को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 जैसा रिजल्ट 4 जून को आएगा, मीडिया भी चौंक जाएगी, बीजेपी भी चौंक जाएगी और प्रधानमंत्री जी तो चौंक ही जाएंगे, क्योंकि हमने जो चुनाव में गुस्सा देखा है लोगों का जी, बिना जाति धर्म सब कुछ पार करके बीजेपी के अपने लोगों में नाराजगी थी, बीजेपी केवल खुश हो रही है एग्जिट पोल से। मुझे लगता है बीजेपी बड़े पैमाने पर निराश होगी जब 4 जून को सारे रिजल्ट आ जाएंगे। दिल्ली की सरकार बदलेगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, नई मंत्रिमंडल होगा, नई सरकार होगी और नई सरकार इस देश को नए तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।